हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है देवम लहरी और आज हम लोग बात करेंगे एयरटेल स्टैटिक आईपी एड्रेस के बारे में। मैंने जो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस अपने यहाँ जो लगाई थी, कम से कम 6 महीने से तो ऊपर हो ही चुका है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा ही रहा है। उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो मैं यह इसके पहले मैं चार्जेस के बारे में बात करूँगा, कितना ये चार्जेस मतलब ये करता है। तो मैं ये दो चार्जेस के बारे में बात करूँ। एक तो ये है कि जब मैं अपना जो कनेक्शन है सेफ कस्टडी में रखता हूँ आधे महीने के लिए, और एक है जो बिना सेफ कस्टडी में रखता हूँ। तो अगर मैं सेफ कस्टडी में रखूँ आधे महीने के लिए तो इसका ये जो बिलिंग है ये इतना लगता है। तो आप ये देख सकते हैं मंथली स्टडी का भी चार्जेस जो कि है 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ का ये नेट चार्जेस है। अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 70.71। तो इसको मुझे इतना का ये चार्ज लगा है क्योंकि मैंने कुछ दिन के लिए अपना जो एयरटेल कनेक्शन है वो मैं अपना सेफ कस्टडी में रखा था, तो इसका ये इतना ये अमाउंट चार्ज हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं बिना बिना सेफ कस्टडी में था तो उसका कितना चार्ज हुआ। बिना सेफ कस्टडी का यही है कि मंथली स्टैटिक आईपी चार्जेस जो कि आप देख रहे हैं वो 99 का है, और ये 11 से लेकर पूरा एक महीना 99 का पूरा ये चार्ज करता है। और एयरटेल का अपना बाकी अपना ये चार्ज करता है जो कि टैक्स वैक्स का जो भी है, ये नीचे दे सकते हैं CGST SGST GST GST जो भी GST लगाना है लगा लेते हैं अपना। तो इतना ही ये पूरा टोटल बिलिंग हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे कि राउटर डिफरेंसेस के ऊपर कि कौन सा क्या होता है। नोकिया वाले राउटर में वो एयरटेल के एंड से होता है, मतलब कि उनके बैक एंड से वहाँ से वो सेटअप होता है, और हुआवे वाले राउटर में राउटर के थ्रू से वहाँ से वो सेटअप होता है। तो मैं अपने हुआवे वाले राउटर की बात करता हूँ कि कैसे किस तरीके से क्या सेटअप हुआ है। ब्राउज़र में जाते हैं, 192.168.1.1 टाइप करते हैं, ये आपका एयरटेल का ये खुल के आएगा। वही अपना यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन है, ठीक है मैं बड़ा कर देता हूँ। आप वैन पे जाएंगे, वैन कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और इंटरनेट आईडी इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ये है। IPv4 इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, VLAN आईडी MTU वगैरह ये सब वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये आपकी ये जो आईपी है ये आपका एयरटेल प्रोवाइड करवाता है। और IP एड्रेस सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह ये जो भी है सबको एयरटेल से ही प्रोवाइड करवा देते हैं। उनके वहाँ से वो कॉल आती है, या तो ये होता है कि उनके वहाँ से वो कॉल आती है या फिर वो खुद आके सेटअप करवा देते हैं, दोनों में से कुछ है। और इसमें तो होता नहीं है, इसमें अपना खुद का पहले से सेटअप रहता है। इसमें यह है इसमें स्टैटिक आईपी सिलेक्टेड है। तो इस स्टैटिक आईपी में अपना मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपना खास वही सर्वर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसके आईपी में अगर टाइप करूँ इसमें तो मेरा ये पूरा जो मैंने वेब पेज बनाई अपने सर्वर पे जो सेटअप की थी स्टैटिक आईपी सेट की थी, तो ये इसमें ही आ जाएगी। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूँ तो अब ये देख सकते हैं कि ये लोड नहीं हो रहा। और फिर से अगर मैं इसको रिकनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया, अब देखिए ये खुलेगा नहीं। हाँ तो मैंने अभी ये अपने सर्वर के लिए सेटअप किया हुआ है, मेल और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका जो डेटा है वो ये आपका जो डेटा जो कि प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आप यहाँ दे सकते हैं, जो ये अनलिमिटेड का कोटा बोलते हैं लेकिन अनलिमिटेड है नहीं, वही डेटा है। 3.3 TB का डेटा वही प्रोवाइड करवाते हैं और उससे ज़्यादा कोई अलग डेटा देते नहीं है, कुछ अलग कटवाते भी नहीं है। वो जो कंज्यूमर डेटा है वही वो डेटा रहता है। अब इसकी ये बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से मैंने कनेक्शन लगवाया, मतलब कि स्टैटिक आईपी लगवाई है। तो मैंने ये मेल के थ्रू से की थी। हाँ मैंने एयरटेल वालों को मेल की थी कि 1-to-1 ईमेल एड्रेस पे कि आई हैव अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आई वांट टू सेट अप ब्रॉडबैंड स्टैटिक आईपी एफ किया है, तो उसकी प्राइसेस क्या रहेगी। तो उसकी दूसरी उसकी ईमेल रिस्पांस में आती है कि
दिस इज द रिस्पॉन्स टू ईमेल स्टडी कैफी ऑफ अकाउंट नंबर डेडिकेटेड। मंथली रेंटल इनका 99 रुपीज़ है और फिर उसका 18% का सर्विस टैक्स लगता है। वही कह रहा था, अभी जो आपका GST वगैरह जो भी टैक्स लगता है आपका लगा लेते हैं। तो ये आपका ये है। फिर मैंने बोला कि हाँ, मैं अपना स्टडी का IP एड्रेस है एक्टिवेट कराना चाहता हूँ इस अकाउंट नंबर में। आप अकाउंट नंबर, रिलेशनशिप नंबर या फिर फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी प्रोवाइड करवा कर सकते हैं करवा दीजिए, वो गेस कर लेंगे। फिर जाके कुछ दिनों बाद नहीं, ये आपका ये रिस्पॉन्स आता है कि डिस रिस्पॉन्स आई भी फिक्स अकाउंट नंबर कंप्लीटेड विद इन 72 आवर्स, मतलब कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम की कि कोई कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है कि नहीं। तो अभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। हालांकि ये है कि अगर अपना प्लान अगर आप चेंज करते रहते हैं, मतलब कि हर बार अपना अगर आप प्लान चेंज करते रहते हैं तो वो स्पीड की डिफरेंस होती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि मेरा ये 40 MBPS का जो स्पीड है, 40 MBPS का ये प्लान है, अगर मैं स्पीड टेस्ट करने जाऊँ तो ये 100 MBPS की स्पीड देगी, जो कि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्या है। टाइम ले रहा है, वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये 100 MBPS की स्पीड दे रही है। एक बीच में प्रॉब्लम ये हुई थी कि एयरटेल का कनेक्शन चल नहीं रहा था। तो उसमें क्या होता कि मेरा तो स्टैटिक IP था, तो क्या हुआ था कि स्टैटिक IP में थोड़ी बहुत दिक्कत ही होती कि उनको अपना उनके यहाँ से वो मतलब कि फ्लश करवाना या फिर रीसेट करवाना पड़ा था उनको IP को, या फिर पता नहीं क्या करवाना पड़ा था, लेकिन कुछ करना पड़ा था जिससे टाइम ज़्यादा लगा था। तो स्टडी का भी की एक दिक्कत ये होती है कि ये प्लान को ज़्यादा हर बारी में चेंज मत कीजिएगा, वरना फिर ये या तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी या फिर स्पीड उल्टी सीधी मिलेगी। जैसे कि अभी ये जो आप देख सकते हैं अभी ये स्पीड दे रही है, अगर फास्ट पे भी चलाना है तो फास्ट पे भी चला देता हूँ। ये देख सकते हैं इस पे भी वही 100 MBPS की स्पीड आ रही है। यह है कि स्टडी का IP एड्रेस में ज़्यादा कुछ ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर सही से यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये इसका डेटा वही होता है, 3.3 TB का वही डेटा रहता है और बाकी कुछ नहीं। तो अगर कुछ अगर क्वेरी हो या फिर कुछ अगर कुछ जानना पहचानना हो या कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं क्या क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।